हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त गुरजीत सिंह, फिर से लेके आया हूं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि यूरोप के कौन से ऐसे देश हैं जिनकी वैकेंसी इंडिया में या यूएई में या किसी भी गल्फ कंट्री में आती है, और वहां पर इंडिया से या गल्फ से लोग जा रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर सैलरी अच्छी मिलती है। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ 5 ऐसी कंट्री जिनकी सैलरी मैं आपको बताऊँगा कि उस देश में कितनी सैलरी मिलती है ट्रक ड्राइवर को। और दोस्तों ये 5 कंट्री वो कंट्री है जिनकी वैकेंसी इंडिया में भी आती है और गल्फ में भी आती है। मैं ऐसी किसी कंट्री की बात नहीं करूंगा जैसे कि ऑस्ट्रिया या नीदरलैंड जहाँ की वैकेंसी ना आ रही हो, क्योंकि आपने देखा होगा अभी पोलैंड, लुथिनिया, लातविया, इसकी जो है एक वैकेंसी रेगुलर आ रही है जो कि सैनिगन कंट्री है और यूरोपियन कंट्री भी है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, इन कंट्रीज़ में जो एवरेज सैलरी है कितनी मिलती है एक ट्रक ड्राइवर को। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। दोस्तों मैंने 5 कंट्री ली हैं, हम 5 नंबर से शुरुआत करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ट्रक ड्राइविंग में जो लोग जाते हैं, सबसे पहले तो एक वैकेंसी होती है ट्रक ड्राइवर की, जिसने मान लीजिए आप लुथानिया गए हैं तो आपने उसी देश के अंदर अंदर गाड़ी चलानी है, उसकी सैलरी थोड़ी कम होती है। एक ड्राइवर होता है जो लुथानिया की अगल या बगल की कंट्रीज़ में जाता है, उसकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है। और एक होता है इंटरनेशनल हैवी ड्राइवर, यानी एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश, तीसरे से चौथे देश, जो ड्राइवर इस तरीके से गाड़ी चलाता है उसकी सैलरी और ज़्यादा होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी कंट्रीज़ के बारे में भी बता देते हैं कि उसकी सैलरी इतनी है, फलाना ढिकाना, जिस कंट्री की वैकेंसी आती ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर पर मैंने जिस कंट्री को रखा है उसका नाम है लातविया। अभी आप जान रहे होंगे कि लातविया की भी वैकेंसी आ रही है, लातविया में भी एज अ ट्रक ड्राइवर लोग गए हुए हैं। दोस्तों मैं जो भी सैलरी आपको बताऊंगा, जिस देश की भी वैकेंसी बताऊंगा, उधर के जो ड्राइवर हैं उनसे बातचीत करने के बाद ही आपको जो है मैं सैलरी बता रहा हूँ। दोस्तों आप जो जिस भी देश की मैं आपको सैलरी बताऊँगा, हमारे ग्रुप से वहाँ पर लोग गए हुए हैं, जैसे लातविया, लुथानिया, पोलैंड। तो दोस्तों अगर आपको हमारे ग्रुप के बारे में नहीं पता जिसमें हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे शो हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। आप वहां से उस ग्रुप को ज्वाइन करके किसी भी तरीके की जानकारी ले सकते हैं, गल्फ से रिलेटेड और यूरोप से रिलेटेड भी, क्योंकि उस ग्रुप से बहुत सारे लोग लातविया, लुथानिया और पोलैंड में जाकर एज अ ट्रक ड्राइवर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों 5वें नंबर पर मैंने रखा है लातविया को। लातविया में आप एज अ ट्रक ड्राइवर जा सकते हैं। दोस्तों लातविया मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर जो हमारे ग्रुप के लोग गए हैं उनके बताने के अनुसार जो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उनके कॉन्ट्रैक्ट में जो है 1277 यूरो से कम सैलरी नहीं दिखा सकती कंपनी, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो थोड़ी कम सैलरी पे होता है, लेकिन आपको जो मिलती है वहाँ जाके सैलरी कट कटाने के बाद, टैक्स सारे कटने के बाद, वो थोड़ी ज़्यादा मिलती है। अभी एक व्यक्ति हमारे ग्रुप से गया है लातविया, वो वहाँ पर काम कर रहा है, उसका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 1277 सैलरी थी, लेकिन वहाँ जाकर उसको कट पीट के जो सैलरी मिल रही है इन हैंड वो 1800 यूरो मिल रही है। तो दोस्तों मैंने लातविया को 5वें नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि वहाँ पर जो सैलरी है औसतन, जो वहाँ के लोगों से या वहाँ के ड्राइवर से बात करने के बाद मेरे को पता लगी है, वो एवरेज है 1500 से 2000 यूरो आपको वहाँ पर सैलरी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, लातविया बहुत ही अच्छी कंट्री है, बहुत ही सुंदर कंट्री है, 50% में आबादी है, 50% में जंगल है, बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों यूरोप की जितनी भी कंट्री है ना, देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो दोस्तों अगली कंट्री की बात करते हैं। 4थे नंबर पर जो मैंने कंट्री रखी है सैलरी के मामले में, वो है लुथियानिया। दोस्तों लुथियाना में जो हमारे ग्रुप के लोग गए हैं उनसे बातचीत करने पर मेरे को पता लगा कि वहाँ पर जो एक्चुअल सैलरी है वो 1800 यूरो से लेके 2500 यूरो है, यानी इतनी आप वहाँ पर कमा सकते हो। अगर यूरो का आप करंट में अभी ऑनलाइन रेट देखते हो तो 89 पॉइंट कुछ पैसे आता है, यानी वहाँ का एक यूरो इंडिया के इतने रुपए के बराबर है, यानी अगर हम अप्रोक्स में लेके चले तो 90 रुपए के बराबर है। तीसरे नंबर पर जो मैंने कंट्री रखी है उसका नाम है पोलैंड। जी हाँ दोस्तों, पोलैंड की अगर औसतन बात करें एक हैवी ड्राइवर को कितनी वैकेंसी मिलती है, दोस्तों पोलैंड में जो एवरेज सैलरी है वो 2000 से लेके 2800 यूरो तक है, इतनी सैलरी मिलती है। दोस्तों ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, आपको 2000 से लेके 2200, 2500, 2800 तक वहाँ पर सैलरी आपको मिलेगी। हमारे ग्रुप के बहुत सारे लोग वहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिनसे बात करने पर जो है ये सैलरी निकाली गई है। दोस्तों अगर आप इंटरनेट पर चेक करेंगे तो आपको कोई एवरेज नहीं मिल पाएगा, वहाँ पर एनुअली सैलरी का
जो है दिखाया जाता है गूगल की तरफ से, लेकिन अगर हम बात करें ये जो सैलरी है और उस सैलरी में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं डिफरेंस आता है। तो मैं जो सैलरी आपको बता रहा हूँ ये फिलहाल 2023 में जो सैलरी मिल रही है ट्रक ड्राइवर को, वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों दूसरे नंबर पर जिस मैंने कंट्री को रखा है उस कंट्री का नाम है नॉर्वे। दोस्तों नॉर्वे की इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती है, अगर बात करें लातविया लुथानिया और पोलैंड की बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती है इंडिया में, यूएई में इंडियंस के लिए या पाकिस्तानी के लिए या नेपाली के लिए या बांग्लादेशी के लिए या श्रीलंका के लिए, लेकिन ये नॉर्वे की वैकेंसी कम आती है। लेकिन जो अपने ग्रुप के इन तीन देशों में लोग काम कर रहे हैं उनकी, जब वो लोग नॉर्वे में जाते हैं तो उनकी बात होती है नॉर्वे के ड्राइवर से, जो इंडियंस पाकिस्तानी वहाँ पर काम कर रहे हैं उनसे बात होती है, तो उनसे बात करने के पर जो सैलरी हमारी निकल के आती है वो सैलरी मैं आपको बताता हूँ। नॉर्वे में जो सैलरी औसत है वो होता है 2200 से 3500 डॉलर। ये डिपेंड करता है आप लोकल चलते हो, लंबे रूट पे चलते हो या एक कंट्री से दूसरी कंट्री चलते हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, नॉर्वे की बात करूँ, दोस्तों नॉर्वे एक ऐसा देश है जिसे कहते हैं कि वहाँ पर कभी रात नहीं होती, यानी रात बहुत छोटी होती है वहाँ पर। तो दोस्तों अब लास्ट में मैं आपको बता दूं नंबर वन पर मैंने किस कंट्री को रखा है। नंबर वन पर मैंने जिस यूरोपियन कंट्री को रखा है उसका नाम है जर्मनी। दोस्तों जर्मनी के बारे में हम सब लोग जानते हैं, बहुत ही अच्छी कंट्री है, बहुत ही सुंदर कंट्री है। जर्मनी की मैं बात करूं, जनवरी में थोड़ा ट्रैफिक है, रास्ते बहुत छोटे हैं, और जो लोग जर्मनी में ट्रकिंग कर रहे हैं उनके हिसाब से जो वहां पर औसतन सैलरी है एक ट्रक ड्राइवर की 2500 से लेकर 4000 यूरो तक जा सकती है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि जो पांच ऐसी यूरोपियन और सैनिकन कंट्री के बारे में जिनका पे स्केल मैंने आपको बताया है और उनको ग्रेड भी दिया है। दोस्तों मैंने कोशिश ये करी है कि मैं उस कंट्रीज़ के बारे में आपको ज़्यादा बता पाऊँ जिस कंट्री की अभी फ़िलहाल वैकेंसी आती है। अगर मैं बात करूँ जर्मनी की और नॉर्वे की, इसकी फ़िलहाल इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती है, अगर आपको वैकेंसी मिलती है तो आप इसको ग्रैब करें क्योंकि यहाँ पे जो पे स्केल है बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें अधिक जानकारी के लिए। और दोस्तों बहुत सारे लोग पूछ रहे थे गुरजीत भाई हमको ऐसे कंसल्टेंट या एजेंट के बारे में बताओ जो यूरोप का काम करा था। दोस्तों उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप मेरी वीडियोज़ में जाके चेक कर सकते हैं या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया, आप वहाँ पर जाकर भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि मेरा एक और चैनल है ब्लॉगर गुरजीत, इस तरीके की जानकारी मैं उस चैनल पर देता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो यार लाइक ज़रूर कर दिया करो, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं हूँ आपका दोस्त गुरजीत सिंह, मिलते एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।